আগামী 10 বছরে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না, টিটাগড়ে কর্মসূচিতে বললেন বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। রাজ্যে গত কয়েক বছরে বিজেপি নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি অনেকটাই বাড়িয়েছে, যার ফল লোকসভা নির্বাচনে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠলেও ক্ষমতা থেকে অনেকটাই দূরে থেমে গিয়েছে বিজেপির জয়রথ। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টিটাগড়ের এক কর্মসূচিতে এসে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে গিয়ে ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী বললেন, বিজেপি আগামী 10 বছরে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে না, এমনকি 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের ফল কী হবে তা নিয়েও তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। এর পাশাপাশি গ্যাস এবং পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, कि आपका पूरा वोट मैं लेके जाऊंगा एक दिन रखिए, लेकिन आपका काम करते, आपका दिल जीतते। मैं बोलता हूं कि आप वोट मुझे मत दीजिए, आप जो आपका दिमाग में है वही रखिए, लेकिन अगर मैं आपका दिल जीत सकता हूं, आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो मुझे वोट देना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन अभी जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हम करेंगे, देखिए आप गवर्नमेंट बन गया है, एक गवर्नमेंट सबका है, सबका गवर्नमेंट है, तृणमूल का गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट है आम आदमी का, जो बंगाल में रहते हैं उनका गवर्नमेंट है, उसमें सब पार्टी का आदमी लोग हैं, तो सब फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी तृणमूल को मिलता है वो फैसिलिटी हर पार्टी को मिलेगा। और आपको पूरा मैं ये एहसास देता हूं कि आप पूरा आपके दिल से जान से आप जो पार्टी करना चाहते हैं आप कीजिए, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा अफवाह मत फैलाइएगा। वो जो सबसे ज्यादा बीजेपी का एक बहुत बड़ा गेम प्लान है अफवाह फैलाते हैं, वो अफवाह मत फैलाइएगा, आप थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा प्लीज। एंड और किसी को डराने का कोशिश मत कीजिएगा, जो आप लोग क्या बीजेपी थोड़ा डराने का कोशिश करता है, देखिए अगले 10 साल में बीजेपी यहाँ पे नहीं आएगा, ये आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना दिन रहेगा बीजेपी वो भी कोई किसी को पता नहीं है। देखिए 24 में क्या होने वाला है ये तो आम आदमी बताएगा। देखिए पेट्रोल का दाम जहां पे लेके गया है 100, ये 100 रुपया पेट्रोल का दाम का मतलब आप समझते हैं ना, ये किसने लेके गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जिसको प्यार करते हैं इसका नाम है मोदी जी, मैं भी बहुत प्यार करता हूं उनको, बहुत बताया, मैं भी वोट दिया था उनको, लेकिन मैं लगता है कि मैंने किसी क्यों वोट दिया था जब पहली बार आया था पता है। लेकिन ये आदमी का पास दिल नहीं है, ये सोचता नहीं है इस कोरोना का टाइम में, एक लॉकडाउन के टाइम में आदमी का हालत कैसा है। यहाँ पे जो ऑटो चलाता है, टोटो चलाता है, फैक्ट्री में काम करता है, ये मजदूर है, ये डेली वेजेस लेबर है, ये डेली पैसा कमाता है। अगर लॉकडाउन कोरोना का टाइम में इनका पास पैसा नहीं है हाथ में, इस टाइम में अगर कुछ सामान वो खरीदना जाएंगे जो 50 रुपया था वो अगर 70 रुपया 80 रुपया हो जाएगा तो सामान खरीदेगा कैसे? आप सोचिए गैस का, पहले रसोई का जो गैस है उसका दाम कितना था? 550-600 रुपया था, अभी 700 रुपया था, 400 रुपया था, अच्छा 400 रुपया था, अभी क्या है 850, अभी सामने 900 रुपया होने वाला है, ये कौन बढ़ा रहा है? 900 रुपया हो गया है, अभी 865 रुपया है, 900 रुपया हो जाएगा। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया कितना? 100। इस जून महीने में 6 बार या 7 बार ये दाम बढ़ा है। आपको इससे पता है क्या होगा? हम लोगों का प्रॉब्लम होगा, हम लोग खाने नहीं पाएंगे। अगर थर्ड वेव आएंगे तो थर्ड वेव जब आएगा तो आप खाएंगे क्या? पैसा आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो इस टाइम पे हम लोगों का जब मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी।